वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। आज हम स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर आए हैं, कैसे हम 90% नंबर 10th और इंटर में ला सकते हैं। जो भी हमारे के कहते हैं कि स्टूडेंट हैं हाई स्कूल के और इंटर के, अपना उनको पहले क्या करना है, टारगेट सेट करना है। क्या करना है? टारगेट सेट करना है, गोल्स सेट करना है। किस वजह से हमें टारगेट सेट करना है, किस वजह से हमें पढ़ना है, ये पहले आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं कि पढ़ पाएंगे और अधिक घंटे तक पढ़ पाएंगे। क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करते करते डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन नहीं लगता है। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तब भी नहीं मन लगता है, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो क्या है, आपको पहले क्या करना है, गोल बिल्कुल फिट करना है, फिक्स करना है कि हम क्या कहते हैं कि कितना हमें स्कोर लाना है। क्या है, अगर आप आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो 4 मंथ में आपको कहते हैं कि कोई नहीं रोक सकता जो आपने अपना गोल सेट कर किया है। क्या है, हम किस रीजन से हमें पढ़ना है, क्या है किस वजह से हमें पढ़ना है, हमें आगे क्या करना है, ये आपको अभी से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट से पूछो तो यही बताते हैं कि हमें केवल अभी पास होना है इंटर में। इंटर पास होने के बाद आपको कुछ नहीं होना है, हाई स्कूल में पास होना है। क्या, अच्छे नंबर लाना है। कैसे लाएंगे, कितने मंथ में हम ला सकते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट यही कह रहे थे कि हमारे काफ़ी महीने निकल चुके हैं, अब पढ़ना बेकार है। नहीं यार, कुछ नहीं, वो टॉपरों के बराबर आप आ सकते हैं कि आज से सही से मेहनत करें। जो भी मेहनत करें कि कहते हैं कि एक सही डायरेक्शन में मेहनत होना चाहिए। क्या है, जैसे हमने आज क्या लिया टॉपिक, हमने लिया हाउ टू स्कोर 90% इन क्लास 10th और 12th। मतलब क्या है कि हम 90% आज भी हम ला सकते हैं अगर आज से हम मेहनत करेंगे। अगर आज से हमने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, वो भी सही से, सही गाइडेंस से, तो आपको क्या कहते हैं, कोई नहीं रोक सकता कि कहते हैं कि 90%। हाँ, 90% हमें क्यों लाना है, इसका आपको क्या है माइंड में कुछ न कुछ मेकअप बनाना पड़ेगा। क्या है, कुछ न कुछ आपको माइंड में क्या कहते हैं कि आपको रखना पड़ेगा कि मैं किस वजह से पढ़ना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, 5-5 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं। क्यों जाते हैं, उनके माँ बाप क्या कहते हैं कि बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं। यही क्या है, सब आपके रीजन होने चाहिए कि मुझे क्या कहते हैं कि 90% नंबर लाना है और मेरा क्या कहते हैं जो भी है वो सब लोग कम से कम मुझे जाने। क्या है, 60% भी लाता है एक कोने में बैठ जाता है, 70% लाता है, लेकिन चर्चा उन्हीं की होती है जो 90% क्या कहते हैं नंबर लाता है। क्या है, 90% कहना बहुत ईजी होता है और करना बहुत कठिन होता है। अगर आपने सही डायरेक्शन में सही मेहनत किया तो 100% क्या है कि आपके नंबर आएंगे। क्या है, आपके नंबर आएंगे। क्या है कि अगर आपने हाई स्कूल में, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, अगर एक बार आपके 90% नंबर आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आगे क्या है, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, क्या बस ऐसे ही के लिए रहें, कुछ कुछ ना कुछ हमें जॉब मिल जाए। अब आज के कंपटीशन में जॉब पढ़ना पाना बहुत मुश्किल है। उन्हीं को जॉब मिलती है जिसके नंबर अच्छे होते हैं। क्यों, नंबर अच्छे कैसे आएंगे, उसने बहुत मेहनत किया होगा, तो उसको कोई भी कंपटीशन में बैठाइए, कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, उतनी ही मेहनत में करेगा, तो उसको कंपटीशन क्यों हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है। कुछ बच्चे बताते हैं, स्टूडेंट बताते हैं कि हमारी मैथ बहुत वीक है, कुछ बताते हैं हमारी फिजिक्स बहुत वीक है, और कुछ बताते हैं हमारी केमिस्ट्री बहुत वीक है। इसका रोने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हम रोएंगे कि हमारे नंबर मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। आपको मेहनत करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। आप जाते हैं कोचिंग और वहाँ क्या करते हैं, आके बैग फेंक दिया, काम खत्म, वो नहीं करना है आपको। इसको ये नहीं होना चाहिए कि हमें क्या कहते हैं सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना पढ़ना है उतना बिल्कुल फिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उतना बिल्कुल फिट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कहीं भी कोई भी क्या कहते हैं टीचर सोते समय भी पूछ ले, कोई स्टूडेंट सोचे समय भी हमारे क्वेश्चन पूछ ले, वो क्वेश्चन हमें बताना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करना है। हाँ, क्या है कि जैसे गांव का एक स्टूडेंट है, तो क्या है कि वो क्या है, किस वजह से पढ़ रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, उसको क्या है उन लोगों तक ये कहते हैं कि उन लोगों का अपना एग्जाम्पल सेट करना है कि मैं अगर मेहनत कर सकता हूँ तो सामने वाला भी मेहनत कर सकता है। तो आपको अपने आप को एग्जाम्पल सेट करना है। एग्जाम्पल कब सेट कर पाएंगे, ये कहते हैं जब आपके 90% नंबर आएंगे। 90% के नंबर आने के लिए आपको रीजन होना आवश्यकता है, होने की आवश्यकता होना चाहिए, रीजन अपने माइंड में गोल होना चाहिए। जैसे हम कहीं क्या कहते हैं हमारा सुबह कहीं हमें जाना है ट्रेन से 7 बजे, या हमारा आपने जो हाई स्कूल का एग्जाम दे चुके हैं, अगर हाई स्कूल का हमारा पेपर सुबह 7 बजे का है
तो हमारी अगर हम अलार्म लगाते हैं 4 बजे का, तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या है, अलार्म के पहले ही हम क्या कहते हैं, उठ जाते हैं, जग जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्यों हमारा क्या कहते हैं मालूम है, क्या कहते हैं कि बिल्कुल सेट है कि हमारा कल पेपर है। अब देखा होगा, कहते हैं जब एग्जाम के पहले हमें हर चीज़ें याद हो जाती है। क्या याद हो जाती है? क्यों हमें लर्न हो जाती है? क्योंकि हमारा प्रेशर है, उसी प्रेशर से आपको पढ़ना है। उसी के कहते हैं कल हमारा, आज जो भी हम तैयारी करेंगे, तो आज हम जो भी तैयारी करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, ये मान के पढ़ना है कि कल हमारा पेपर है। क्या है? कल हमारा पेपर है। तो आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो मैं 100% बता रहा हूँ, 100% आप क्या कहते हैं 90% ऊपर नंबर अचीव कर लेंगे। क्या है कि 90% नंबर, तो क्या है कि आपको कल अगर हमारा, आज हम पढ़ रहे हैं तो आज हमें 100% पूरा देना है। क्या 100% पूरा देना है कि हमारा कल पेपर है। तो आप रोज ऐसे ही पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं कि आपको 90% के ऊपर नंबर जरूर आएंगे। क्या आएंगे? 90% के नंबर के ऊपर जरूर आएंगे। अब क्या है कि कहते हैं कि ये केवल 5% ही बच्चे करते हैं। क्या करते हैं? 5% ही स्टूडेंट कर पाते हैं, क्योंकि ये करना मेहनत लगती है, बैठना पड़ता है कुर्सी और बेंच पर। और क्या कहते हैं कि बैठना ही मेन होता है। उसके साथ हम कितने क्या कहते हैं कि अच्छे से सेल्फ रेडी करते हैं। आप कोचिंग जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन आपको सेल्फ रेडी कम से कम इंटर में हो तो कम से कम 4 घंटे की होनी चाहिए। अगर साल चार चार घंटे की आप सेल्फ स्टडी करते हैं, घर में स्वयं बैठ के मेहनत करते हैं, तभी आप 90% नंबर ला पाएंगे। नहीं तो आप बस कोचिंग कोचिंग दौड़ते रहेंगे, बस पढ़ते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या करना है आपको, देखना है कि कौन सा कहाँ पढ़ाई अच्छा जा रहा है, कहाँ हमें क्या कर रहे हैं। कहीं भी पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या है कि हमारा 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी में देना है। क्या है सेल्फ स्टडी? क्या होती है कि स्वयं पढ़ना है। क्या है कि जो भी हम कहते हैं कि रिवीजन करेंगे, जो भी हम आज तक पढ़ चुके हैं, तो क्या करें, हमारा पढ़ने का क्या शेड्यूल होना चाहिए। हमारे पढ़ने का जो भी हम रिवीजन है, रिवीजन हम 70% करेंगे। और हम क्या कहते हैं रिवीजन 70% करेंगे, जो भी नया होगा उसको 30% पाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे आप रिवीजन में देना है और 2 घंटे आपको कहते हैं कि नया पढ़ना है। ये आप कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। आज हमारे पास कई स्टूडेंट के मैसेज आए कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हो? क्योंकि आपको टारगेट निर्धारित नहीं है। आपको कि बस पढ़ लिया, काम खत्म, पढ़ लिया, घर वालों को दिखा रहे हैं, मोहल्ले वालों को दिखा रहे हैं, अपने किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप को पढ़ना है। क्या है कि अगर आप नौकरी पा जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आपको ही सबसे अच्छा रहेगा, मतलब आपको बेनिफिट मिलता है। किसी को क्या है? कुछ नहीं। आप ही जब मोहल्ले, जब नंबर आ जाएंगे अच्छे, तो क्या होता है मोहल्ले में नाम होता है कि उसके नंबर आ गए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो ये पल लाने के लिए जो मोमेंट होता है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है ये पल को लाने के लिए, मोमेंट को लाने के लिए, क्षण को लाने के लिए। तो क्या करना है आपको, आज से, अभी तक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं। आपके माँ बाप कितने मेहनत से पैसा देते हैं, कितने मेहनत से क्या कहते हैं कि आपको, क्या कहते हैं कि सब कुछ करते हैं। आप केवल क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है आपको? पढ़ना है। वो भी काम नहीं हो पाता है तो क्या कर दीजिए, अभी तो बोल दीजिए कि हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों पैसा बर्बाद हो? अगर पढ़ना, जो भी काम करना है उसमें परफेक्ट होना है। क्या होना है? हमें परफेक्ट होना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, कोई वर्क कर पाएंगे। अगर हम क्या कहते हैं यही बार बार कह रहे हैं, अगर एक बार 90% हाई स्कूल वाले जो भी स्टूडेंट हैं, वो भी एक बार 90% उनके भी आ जाएंगे तो इंटर में, क्योंकि उनके मालूम होगा कि हमें इतने मेहनत करने पर हमें इतना मिल जाएगा। जो इंटर में है, चलो हाई स्कूल में आए अथवा ना आए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको इंटर में है तो आपको इंटर में भी क्या करना है, बहुत मेहनत करना है, आज से मेहनत करना है। क्योंकि फरवरी के लास्ट वीक से या मार्च के फर्स्ट वीक से पेपर के कहते स्टार्ट हो जाएंगे। अभी क्या चल रहा है हमारा, सितंबर, आज सितंबर के कहते हैं कि लगभग लगभग आधा सितंबर खत्म हो गया है। 15 दिन इधर को, फिर अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। क्या हो गया हमारा? अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और जनवरी हो गया। तो क्या हो गया, जनवरी में हमारे क्या होते हैं, पेटकल चलने लगते हैं। 3 महीने ये, और क्या कहते हैं कि जो 15 दिन इधर के, कहने में लगभग आप क्या कहते हैं कि कितने दिन हैं, करीबन आपके 110 दिन हैं। अब 110 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या है? आपके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या करना है आपको, 110 दिन को
हमें ऐसा करना है प्रत्येक दिन कि हमारा कल पेपर है, तो हाँ आज से पढ़िए। अभी तक आपको ना आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, भूल जाइए हमने कहते पीछे क्या किया है, अब हमें आगे क्या करना है ये मेन है। तो आज से कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्या करना है बर्बाद नहीं करना। पहली बात हमें गोल्स अपना सेट करना है कि किस वजह से पढ़ रहा हूँ, किस वजह से मुझे पढ़ना है, आगे क्या करना है, ये आपको सभी माइंड क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं स्टूडेंट हैं वो भी अपना गोल सेट करें कि मुझे कहते हैं कि हाई स्कूल में कितने परसेंट लाना है, किस वजह से लाना है। और उसके बाद जो इंटर के बच्चे हैं स्टूडेंट हैं तो वो भी अपना गोल क्या करना है, सेट करना है कि हमें कितने परसेंट लाना है। गोल सेट करने के बाद अगर आपने गोल सेट कर दिया तो आपका जो भी शरीर है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। आपको हर क्षण माइंड में हमारा गोल क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए कि हमें कितने परसेंट नंबर लाने हैं। अगर ना हमें कोई चीज़ बार बार कोई चीज़, दो माइंड होते हैं हमारे, क्या होते हैं दो माइंड होते हैं, एक होता है हमारा कहते हैं कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। क्या होता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं बार बार सोचते हैं तो दो पार्ट होते हैं हमारे माइंड में, एक होता है कॉन्शियस एक होता है सब कॉन्शियस। तो क्या होता है कि जो भी क्या कहते हैं दो पार्ट होते हैं, तो हम कोई भी चीज़ को हम ज्यादा बार करेंगे तो क्या होगा उस कॉन्शियस पार्ट में जाके फिट हो जाता है। तो क्या है कि आपको अपना गोल्स बिल्कुल क्लियर करना है। अगर गोल्स क्लियर कर लिया तो आपका आधा काम हो गया। अब आधा काम क्या हुआ कि आधा काम ये हुआ कि आपको अपना क्या कहते हैं पढ़ाई में मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। क्या है लाइट नहीं आती है, ये पंखा मन चल रहा है उसको बहाना नहीं चलेगा, वो एग्जाम में नहीं आएगा कि आपको ये कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कहते हैं कि नंबर किस वजह से कम आए हैं, कि बुखार आ गया मुझे पेपर में, आप बोलते हैं एक नंबर से मैं रुक गया हूँ, आधे नंबर से मेरा फर्स्ट डिवीजन रुक गया है, तो ये कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं कहेगा कि किस वजह से आपको नंबर लाना ही होगा। एक बार मार्कशीट में देखा होगा, अगर एक बार मार्कशीट में 50 नंबर लिख गए हैं क्या आप मार्कशीट को आप बदल सकेंगे, नहीं बदल सकेंगे। एक बार आपके अगर 90 नंबर लिख जाएंगे 100 में या 50 लिख जाएंगे तो आपको क्या है कि अच्छा कौन सा लगेगा, यही है। तो यही क्या हम आके बता सकते हैं, नहीं तो हम शर्माएंगे अपने परसेंटेज बताने के लिए। तो क्या करें ना, हमें अपना गोल सेट करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ क्या है कि अब वी स्टडी चैनल पर मैथ आना शुरू, मैथ के कहते हैं इनवर्स फंक्शन ख़त्म हो चुका है इंटर वालों के, और हाई स्कूल वालों के जो भी स्टूडेंट हैं उनके 3 चैप्टर हमने ख़त्म करा दिए हैं, फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्या करना है आपको सही से क्या कहते हैं कि हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं सही से देखिए। हम ये नहीं कहते कि आप कोचिंग बंद कर दीजिए, या आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, लेकिन वीडियो हमारी पूरी देखिए और टाइम से देखिए। इसीलिए आज हमने संडे को हमने सोचा कि कहते हैं कि बच्चे के हो जाए स्टूडेंट के हो जाते हैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता है, तो इसलिए उनको कुछ चीज़ें बताई जाएँ। और ये क्या है ऑथेंटिक है, कोई बनाई हुई चीज़ें नहीं हमने बता रहे हैं, ये क्या है कि आपके डेली लाइफ की चीज़ें ही बता रहे हैं, जो होता है जो हमारे साथ हुआ या हमारे स्टूडेंट के साथ होता है या किसी अन्य के कहते जो प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ होता है। तो आपको क्या करना है सही दिशा में चलना है। क्या है हमने कल फिजिक्स का एक स्ट्रेटजी डाली थी, पहले हमने 6 चैप्टर कराएंगे और 6 चैप्टर से क्या कहते हैं 50 नंबर का आता है 60-70 में, तो पहले वो चैप्टर हम पढ़ेंगे जिससे हमारा नंबर कम्प्लीट हो जाए। ठीक, तो आपको क्या करना है, उन बच्चों के लिए हमने चैनल ये स्टडी बनाया है वी स्टडी, जो बच्चे घर में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो और अच्छा कर सकते हैं, तो उन तक आप लोगों क्या करना है ये चैनल को शेयर करना है, बताना है। कहते हैं जैसे आपको मान लो ग्रुप में अगर ऐड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखकर भेज सकते हैं। हाँ, क्या है कि बच्चे स्टूडेंट के कहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं वीडियो तो देखते हैं, कम से कम कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। हाँ, सबसे मेन बात यह है कि जहाँ कोच पैसा देते हैं वहाँ ठीक से पढ़ते हैं, हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो आप फ्री नहीं पढ़ेंगे। क्या है इसको, इसीलिए हमने टाइमिंग दे दिया है कि आपको ऐसा ना महसूस हो कि हम क्या कहते हैं कि फ्री पढ़ रहे हैं, टाइम से नहीं आती, कहीं 12 बजे आ रही वीडियो, हमारा लगभग टाइम क्या है शेड्यूल से आती है वीडियो। तो क्या करना है आपको, ये माइंड में नहीं रखना है कि यहाँ फ्री पढ़ाया जा रहा, नहीं, यहाँ क्या कहते हैं ये माइंड में रखना है कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये मेन होना चाहिए। ठीक, तो क्या करना है आपको, क्या कहते हैं कि पढ़ते रहना है, मेहनत से पढ़िए। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे में अगला मोटिवेशन
स्पीड के साथ। ओके थैंक यू। कितने मिनट पर?